हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा पॉलिटी का, यानी कि 7th क्लास की पॉलिटी का 5th चैप्टर है। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर 7th क्लास की पॉलिटी से क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा। तो ये आपका चैप्टर क्या हो जाता है, वेरी वेरी IMP, यानी कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जानेंगे आगे क्या होता है, क्या है इस चैप्टर में, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। तो औरत ने बदल दी दुनिया, आप देख पा रहे होगे क्या कह रहा है। औरत ने क्या कर दी, दुनिया चेंज कर दी, यानी कि दुनिया बदल दी। तो कैसे औरत ने दुनिया चेंज करी है, क्या चीजें हैं, इन सबको बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता। जो मैंने पिछले अध्याय में, यानी कि पिछला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो महिलाएं वर्क कर रही हैं उन्हें क्या है, वर्क माना ही नहीं जा रहा है। यानी कि क्या अवमूल्य, यानी कि बिना मूल्य का क्या है, वो वर्क हो रहा था। हमने यह भी पढ़ा था कि घरेलू काम और क्या कह रहा है, घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम, और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यानी कि जो भी कार्य है घर के सारे, इनका कोई अंत नहीं होता है। मतलब कब शुरू करना है, कब तक चलेगा, कोई इसकी टाइमिंग नहीं होती है। जैसे कि आप ऑफिस वर्क जाते हो तो आपको 8 घंटे 12 घंटे इस तरह आपको ऑफिस में टाइम देना होता है, बट घर के कामों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, लिमिट नहीं होती है। फिर भी उसे हम क्या करते हैं, कम मानते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, आगे देखेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। यानी कि हम इस चीज में, इस लेसन में किस बारे में बात करने वाले हैं कि स्त्रियों ने जो स्त्री पुरुष के लिए समानता, यानी कि स्त्री अपने लिए समानता के लिए कैसे संघर्ष कर रही है, और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं क्या व्यवसाय, तो इन सब चीज़ों को कैसे स्त्रियां टैकल कर रही है ये जानेंगे। पहले पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में क्या करेंगे, हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, स्त्रियों के द्वारा चुनौती। तो आगे बढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर से क्या होता है, चीजें क्लियर होती है। देखो, किसान खेत में काम करती हुई महिलाएं, क्या है, खेत में महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन आज समाज में क्या है, अगर हम हमारे माइंड में, अगर हम आपसे कहें किसान, किसान के बारे में सोचो, तो आपके माइंड में सीधे ही एक इमेज बनेगी किसकी, पुरुष की। पुरुष क्या कर रहा है, खेत में काम कर रहा है। बट किसी के माइंड में या किसी के माइंड में स्त्री की इमेज नहीं बनती, तो पुरुष की इमेज बनती है किस नाम, किसका नाम लेने से, किसान। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर भ्रांतियां हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे मन में, सॉरी, हमारे माइंड में जो इमेज क्रिएट होती है किसान के नाम से, वो हो रही है किसकी, वो हो रही है एक पुरुष की। बट इसके बावजूद हमारे भारत देश में, हमारे भारत में 83.6% महिलाएं खेतों पर आज भी काम कर रही हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, महिलाओं को इस रूप में नहीं देख पा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत में कितनी परसेंट महिलाएं काम कर रही हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछ कर वो डायरेक्ट क्या करेगा आपसे, डायरेक्ट आपसे क्या स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा, डाटा चेंज कर सकता है और परसेंटेज चेंज कर सकता है, इस सारे ये चीज़ें चेंज करके आपको घुमा सकता है या फिर सीधे सीधे पूछ सकता है। तो आपको सीधा याद रखना है कि भारत में कितनी, 83.6% महिलाएं क्या करती हैं, आज खेतों में काम कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना, ये सारे काम कौन कर रहा है, ये सारे काम स्त्री कर रही हैं। लेकिन फिर भी जब हम इनके एक किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में इमेज किसकी आती है, हम पुरुष को ही अपने माइंड में चीज़ें बना पाते हैं कि, यानी कि जो किसान है वो क्या होगा, पुरुष होगा, एक हल चलाता हुआ किसान देखेगा या खेतों में काम करता हुआ किसान। किसी के माइंड में इमेज किसकी, स्त्री की क्रिएट नहीं होती किसान के नाम पर। ठीक है, चाहे आप सोच, मैंने किसान नाम लिया होगा तो आपके माइंड में भी इमेज किसकी बनी होगी, पुरुष की बनी होगी, लेडीज की नहीं बनी होगी। अदर लोगों से आप ये पूछ सकते हो, किसान सोचो किसान कौन है, तो उनके माइंड में भी वही इमेज क्रिएट होगी। तो आपको क्या करना है, कितने परसेंट महिलाएं, तो 83% महिलाएं काम करती हैं। अब ये क्या है, ये जो ये सर्वे करवाया गया था,
तो सर्वे में लड़कों ने क्या किया, शिक्षक के तौर पे 5 पुरुष और 25 महिलाओं को चित्र किया है शिक्षक के तौर पर। किसान के तौर पर 30 कितने हैं, 30 किसान है, और 0 क्या किया महिलाओं को, मिल मजदूर में 25 पुरुष और 5 महिलाएं, नर्स के तौर पर पुरुष एक भी नहीं और महिलाएं 30% है, वैज्ञानिक 25 हो सकते हैं पुरुष और महिलाएं क्या, महिलाओं को 5 वोट मिला है। पायलट में भी पुरुष क्या होते हैं 27 माना है और महिलाओं को 3% माना है। तो ये सर्वे में पाया गया, जो लोगों द्वारा सर्वे कराया गया तो ये पाया गया, ठीक है। यानी कि महिलाओं को किन कामों में रखा जा रहा है, किन कामों में नहीं रखा जा रहा है, ये आप देख सकते हो इस सर्वे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों को चित्र बनाए हैं। जो ये सर्वे हुआ था ये बच्चों ने किया था। इस बच्चे ने क्या किया, इन बच्चों ने क्या किया कि नर्स के रूप में ज्यादातर किसे चुना, महिलाओं को चुना, और पायलट के रूप में ज्यादातर पुरुषों के चित्र बनाए। तो आप देख सकते हो बच्चों के अंदर भी ये चीजें चल रही हैं, ये भ्रांतियां बच्चों के अंदर भी आ रही हैं। ऐसा उन्होंने इस कारण से किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स सकती हैं, क्योंकि वे क्या करती हैं पता ही है, महिलाएं अच्छी नर्स क्यों हो सकती हैं आप ही बता दीजिए मुझे, क्योंकि वो सहनशील होती हैं, यानी कि उनके अंदर सहनशीलता होती है, विनम्रता होती है, यानी कि पोलाइटनेस होती है, तो इस वजह से वो अच्छी नर्स हो सकती हैं, ठीक है। वो पायलट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ये सामाजिक भ्रांतियां, बट आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग पायलट हैं। तो इन चीजों को देखेंगे और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, आगे समझेंगे किन किन औरतों ने क्या क्या काम किए हैं। इसे परिवार में स्त्री की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और यह लड़कियों और महिलाओं की तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, यानी कि महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं है। अनेक लोग इस प्रकार के रूढ़वादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, यानी कि ये क्या है, ये जेंडर स्टेरियोटाइप धारणाएं हैं। तो जेंडर स्टेरियोटाइप के बारे में मैंने 6th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, आप उन्हीं चीजों को समझ सकते हैं और उससे क्वेश्चन आता ही आता है। जेंडर स्टेरियोटाइप भी बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि रूढ़बद्धता कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम कर सकती हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, जेंडर स्टेरियोटाइप हो जाता है, ठीक है। इसलिए अब जैसे कि यहाँ क्या माना, यहाँ माना कि लड़कियों में तकनीकी सोच की जो तकनीकी सोच होती है वो उसमें सक्षम नहीं है लड़की, तो ये क्या होगा, ये एक रूढ़िवादी धारणा हो गई है, ठीक है। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूल की शिक्षा पूरी हो जाने पर लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपना जी क्या बनाए, शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चढ़ाने के कारण पैदा होता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, आगे जानेंगे, क्या होता है, लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है कि जो लड़कों को अच्छा महसूस कराएं, बहादुर महसूस कराएं, सक्षम महसूस कराएं, तो इसलिए उनके ऊपर उन्हें इस चीज के लिए प्रेरित किया जाता है कि लड़की वाली जॉब करें। अब जानेंगे कि रूढ़ियों को तोड़ा, यानी कि रूढ़िवादी जो धारणाएं थी कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, बट एक लड़की थी जिन्होंने ये धारणाएं तोड़ी, तो वो कौन हो जाती है, तो ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो आप इन चीजों को ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है कि रेल इंजन आदमी चला सकते हैं, एक रूढ़वादी धारणा है, जेंडर स्टीरियोटाइप धारणा है कि क्या है, ट्रेन है जो, रेल है जो, वो सिर्फ क्या चला सकते हैं, लड़के चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चलाते हैं। पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की लड़की कितने वर्षीय, 27 वर्षीय लक्ष्मी लाकारा, ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हो, झारखंड की एक गरीब कौन सी लड़की है, आदिवासी परिवार की लड़की है जिसकी आयु कितनी है, 27 ईयर है, इसका नाम क्या है, लक्ष्मी लाकारा है, जिसने इस धारा को रुख बदल दिया। उसने उत्तरी रेलवे की
वह पहली इंजन महिला चालक बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस इतने से इतनी सी लाइनों से आपके दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, अगर फैक्चुअल वन वन उसे इन्फो पूछनी होगी तो वो वन वन करके पूछ लेगा, बाकी अगर सारा एक साथ पूछना होगा तो वो स्टेटमेंट डाल देता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा वो किस परिवार की थी, तो वो आदिवासी परिवार की थी और झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी लाकारा ने कौन सी रेलवे चलाई थी, तो उत्तरी रेलवे की वह पहली इंजन महिला चालक बनी थी। अब वो स्टेटमेंट देगा कि झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकारा ने इस धारा का रुख बदल दिया और वह दक्षिण की वह पहली महिला इंजन चालक बनी। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा आप लोग मुझे बताइए, मैं 1 सेकेंड का आपको टाइम देती हूँ। राइट है या रॉन्ग है? हाँ, जिसने जिसने राइट बताया है तो वो कृपया फोकस करें, और जिसने जिसने रॉन्ग बताया है, गुड, वेरी गुड, क्योंकि मैंने उत्तरी रेलवे की जगह क्या दक्षिणी रेलवे यूज किया है शब्द। तो इसी तरह से एग्जामिनर भी आपको घुमा देगा और आपके क्वेश्चन गलत करवा देगा। ठीक है, तो बार बार मैं समझाती हूँ कि जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, उन पर फोकस करना है, फैक्चुअल डाटा पे फोकस करना है। आदिवासी परिवार की थी, 27 वर्षीय थी, लक्ष्मी लाकारा थी, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये उत्तरी रेलवे की पहली महिला चालक बनी। अब इनकी क्या स्टोरी थी, लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किया, बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई है। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा अर्जित किया। किसमें डिप्लोमा अर्जित किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली कोशिश में क्या हो गई, उत्तीर्ण हो गई थी। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। लक्ष्मी क्या कह रही है, लक्ष्मी का जो शौक है वो क्या है, वो शौक ये है कि उन्हें चुनौतियों से खेलना पसंद है। किसने चुनौतियों से खेलना पसंद है, ठीक है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसे करने के अनेक अवसर आए, जब वह इलेक्ट्रॉनिक करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। क्या चलाकर उसने, तो मोटरसाइकिल चलाई थी, उसके बाद उसने तय किया कि मैं इंजन ड्राइवर बन के दिखाऊंगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा था, जब तक मुझे मजा आ रहा है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपके अंदर भी धारणा होनी चाहिए कि अगर कोई कहे कि अरे तुमसे तो सीटेट क्वालिफाई हो ही नहीं पाएगा, तो आपके अंदर वो चीज़, वो आग लगनी चाहिए। कि ये नहीं कि लड़ने चले जाओ कि उसी समय अरे ये वो फलाना रे, नहीं, लड़ना नहीं है, शांति से एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए, वहां से आ जाइए, और जब सीटेट क्लियर हो जाएगा ना, तब भी आपको कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो खुद ही आपको कहेगा अरे भाई मैं तो सोच रहा था तुम क्लियर नहीं कर पाओगे और आपने तो सीटेट क्लियर कर दिया। तो ऐसे बनो, जवाब नहीं देना है, लड़ना नहीं है, एक आग अंदर जलानी चाहिए। मुझे तो कोई अगर कुछ बोलता है तो मेरे अंदर वो चीजें आती है कि नहीं, इसने ऐसा बोला, मैं ये करके जरूर रहूंगी। और मुझे लगता है कि मुझे कोई हर हफ्ते 15 दिन, महीने भर में कोई ना कोई ऐसा ताना मारे जिससे हमारे अंदर की जो आग है, जो सक्सेस होने की आग है, गवर्नमेंट जॉब पाने की आग है, वो ना बुझ पाए। ठीक है, तो तानों से डरिए मत, आलोचनाओं से डरिए मत, ये आलोचना ये ताने आपको आगे बढ़ाते हैं और आगे ले जाएंगे, एक दिन आपको सक्सेस कर देंगे। इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, बट जो मीठे मीठे बोलते हैं मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, बहुत होशियार है, ये है, वो है, तू पढ़ ले, 2 घंटे पढ़ ले, 2 घंटे में ही हो जाएगा तेरा, तो ये मिथ्या बातें हैं। और जो ताने मार रहे हैं उनके ताने हमें आज बुरे लग रहे हैं, उनकी आलोचनाएं हमें बुरी लग रही हैं, बट ये आलोचना, ये ताने हमें कहाँ ले जाती है, हमें सक्सेस तक पहुंचाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, आप समझदार हो और ये चीजें समझते हो। आगे बढ़ते हैं, उनके ऊपर दबाव होता है कि किन के ऊपर, लड़कों के ऊपर दबाव होता है कि वो अच्छे से जॉब करें जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। कि आपको याद होगा कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता था, यानी कि कहा जाता था कि लड़के रो, क्या लड़के हो तुम, क्या लड़की हो तुम जो लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये चीजें हमें क्या, घर से ही तो शिक्षा मिल रही है, हमारे घर से ही वो चीजें पनप रही हैं, छोटे बचपन
से ही वो चीजें हमारे अंदर जहन में डाली जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है परिवर्तन के लिए सीखना, यानी कि चेंजेज के लिए हमें लर्न करना पड़ता है क्या चेंजेज हैं। तो स्कूल स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है, यानी कि हम सोचते हैं कि सब बच्चे स्कूल जाना एक जनरल सी बात है। बट नहीं, एक ऐसा समय था जहाँ पर कुछ बच्चों को स्कूल जाने ही नहीं दिया जाता था, पढ़ना पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, पढ़ना क्या अशुभ माना जाता। तो ये चीज़ें पहले थी। तो चलो मैं पहले ये आपको इसे शॉर्ट में ही बता देती हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनता नहीं है, बस चीज़ें बताए। मान लो ये लड़का है, मान लो क्या है, ये लड़का है, इस लड़के ने क्या किया, ये लड़का पास हुआ और 65% इसकी मेरिट बनी, ठीक है। और इसका क्या हुआ है, भौतिक विज्ञान में, यानी कि जो पास हुआ है उसका भौतिक विज्ञान में अच्छे नंबर्स नहीं आए, क्या है, अच्छे नंबर नहीं आए हैं, और हिस्ट्री में अच्छे नंबर आ गए हैं। तो इसके पिता कह रहे हैं कि बेटा तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे गणित और विज्ञान में अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं। तो वो लड़का कह रहा है कि मुझे गणित विज्ञान पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। तो बाप उसे क्या समझ रहा है, बाप उसे समझ रहा है, यानी कि पिता उसका क्या समझ रहा है, पिता समझ रहा है कि तुम अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तुम पढ़ने में होशियार नहीं हो। तो बेटा कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये। तो बेटा कह रहा है, पिता कह रहे हैं उनके कि समझदारी से काम लो बेटा, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर से आपको क्या मिल जाएगी, आसानी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें डाली जा रही हैं कि लड़के क्या करेंगे, लड़के विज्ञान पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, लड़के सोशल साइंस नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये लड़कियां पढ़ती हैं। तो ये भावनाएं हमारे अंदर बचपन से डाली जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो जाता है ये वाला भी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जाना पढ़ना क्या था, बहुत मुश्किल था, यानी कि स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल था, यानी कि पहुंच के बाहर था, अनुचित बात भी मानी जाती थी। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे, अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी, उनके समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को क्या होता था, अक्षर सीखने की अनुमति नहीं थी, यानी कि एक वर्ड एक शब्द भी नहीं सीख सकती थी लड़कियाँ, ठीक है। यहाँ तक कि उनके परिवार में जहाँ कुम्हारी बुनकर और हस्तकला सिखाई जाती थी, यानी कि जिन परिवारों में क्या होता था, जिन परिवारों में कुम्हारी यानी कि बर्तन बनाना, बुनकर, वस्त्र बुनना और हस्तशिल्प सिखाया जाता था, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक सीमित है, यानी कि उन्हें किसी काम में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बर्तन बनाने में, कपड़े बुनने में, हस्तकलाई में शिक्षा नहीं दी जा रही, बस क्या कहा जा रहा है कि वो सिर्फ क्या कर सकती हैं, सहायता कर सकती हैं, यहाँ तक उन्हें सीमित रखा जाए। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ क्या करती है, मिट्टी एकत्रित करती है, बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती है। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए तुम्हें कुम्हार नहीं माना जाएगा, यानी कि उन्हें चाक नहीं चलाने दिया जाता था, बाकी जो प्रोसेस होती है वो स्त्रियां ही कर रही हैं, बट उन्हें किसी चीज में सक्षम नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। ये भ्रांति थी। बात करते हैं 19वीं शताब्दी में, 200 वर्ष पूर्व, कितने 200 वर्ष पूर्व की बात है, पहले की बात है। शिक्षा के बारे में कई नए विचार ने जन्म लिया, विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए, और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ, इनके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना लिखना सीखने के लिए क्या किया, संघर्ष। देख रहे हो, स्त्री हर चीज के लिए शुरू से संघर्ष करती आ रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि हमारा पितृसत्तात्मक क्या था, समाज था। पितृसत्तात्मक यानी कि जहाँ पुरुषों की प्रधानता होती है, जहाँ पुरुषों की प्रधानता होगी, मान लो एक राजा है, राजा अपने मंत्री को ज्यादा अधिकार कैसे देगा, देगा नहीं देता है, वो राजा बना राजा। फिर अगर जो मंत्री है वो सेम चीज है राजा जैसी कर रहा है, तो राजा और मंत्री में भी फर्क क्या रह जाएगा। तो यही चीजें थी, पितृसत्तात्मक था। तो जो पुरुष काम कर सकते हैं वो लेडीज को नहीं सिखाया जाता था, अगर लेडीज सक्षम हो जाएगी तो उनकी सत्ता कम हो जाएगी। तो ये चीजें चल रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए हम रास सुंदरी देवी का अनुभव पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रास सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव है, कब की बात है, तो 200 वर्ष पूर्व,
पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। ध्यान से सुनना, जो रास सुंदरी देवी हैं 200 वर्ष पहले कहाँ पैदा हुई हैं? पश्चिम बंगाल में पैदा हुई हैं। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगाल में अपनी आत्मकथा लिखी। ये पहली स्त्री हो जाती हैं जिन्होंने अपनी क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी। किसने? रास सुंदरी देवी ने। किस भाषा में लिखी थी? तो वो आपकी बंगाली भाषा में लिखी थी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तो कौन सी उनकी आत्मकथा थी वो जानेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बताया था अगर क्वेश्चन आएगा तो इस लेसन से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो क्या थी? आमार जीवन। कौन सी? आमार जीवन। कौन भाषा में? बंगला भाषा में, तो इसका नाम ही क्या है? आमार जीवन। किसने? रास सुंदरी देवी ने लिखी थी, बंगला भाषा में लिखी थी। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा? किस महिला द्वारा? भारतीय महिला द्वारा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी क्या है? आत्मकथा है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले रास सुंदरी देवी ने क्या लिखी? आत्मकथा। कौन सी? आमार जीवन। किस किस लैंग्वेज पे लिखी? तो आप बंगला भाषा में लिखी। और क्या थी? ये भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा मानी जाती है। कौन सी? आमार जीवन। क्वेश्चन घुमाएगा तो ये कहेगा कि किस भारतीय महिला द्वारा पहली आत्मकथा लिखी गई, तो वो रास सुंदरी हो जाती है। कौन सी आत्मकथा लिखी गई? तो वो आमार जीवन हो जाती है। किस भाषा में लिखी गई? तो बंगला भाषा में लिखी गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कैसे भी क्वेश्चन घुमाए आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी, यानी कि ये धनवान परिवार की थी। देखो, स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। तो धनवान परिवार की गृहिणी थी, उसे समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो उनके पति के लिए दुर्भाग्य लाती है, यानी कि जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके पति के लिए क्या होता है? दुर्भाग्य लाती है, वो विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं की छुप छुप कर क्या करा? पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है, कुछ क्या किया? छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। देख रहे हो, हर चीज को किससे जोड़ा जा रहा है? हर चीज को इन भ्रांतियों से जोड़ा जा रहा है कि औरतें पढ़े ना, डर के मारे पढ़े ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। रास सुंदरी देवी क्या कह रही है? कह रही है कि मैं अत्यंत सवेरे सवेरे, यानी कि सुबह उठ जाती थी, सुबह काम करना शुरू कर देती थी। उधर आधी रात हो जाने के बाद भी मैं क्या काम में लगी रहती थी, बीच में विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल कितने 14 वर्ष की थी जब वो इतनी सारी मेहनत कर रही थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को क्या हो रहा था? पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। यानी कि जो वो कह रही कि मैं पढ़ना सीखूंगी, और कौन सी पांडुलिपि? तो वो धार्मिक पांडुलिपि पढ़ेंगी। इस चीज का ध्यान रखना, ये लाइन अंडरलाइन क्यों करवाई है? क्योंकि धार्मिक की जगह और भी बुक्स का नाम डाल देगा, आप कह दोगे कि हाँ राइट है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। क्या होता है, हमारे माइंड में ऊपर ऊपर की चीजें रहती हैं, जो डीप नॉलेज है वो भूल जाते हैं। तो क्या पढ़ना चाहती थी, और क्या पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। ठीक है, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है? स्त्री पढ़ती नहीं है, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन। किसकी? एक चैतन्य भागवत थी, चैतन्य भागवत थी। क्या थी? चैतन्य भागवत, मतलब मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। सपने में वो क्या कर रही है? एक चैतन्य भागवत है, वो संत का जीवन है, उसे वो पढ़ रही है। आगे देखेंगे, पढ़ रही थी। बाद के दिनों के समय जब मैं रसोई में भोजन बना रही थी, यानी कि सपने में उन्हें देखा कि मैं एक संत का जीवन पढ़ रही हूँ, मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही हूँ। बाद के दिन, यानी कि दूसरे दिन क्या कर रही थी? वो रसोई में भोजन बना रही थी। मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊँ तो तुम इसे ले आना। भी पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रखी थी, मैं चुपके से उसका एक पन्ना निकाल रही। देख रहे हो, चुपके से वो पन्ना निकाल रही उन्हें, यानी कि कोई अगर देख लेता तो इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला था। इस तरह से छुप छुप के चीजें चल रही थी। ठीक है, और सावधानी से उसे क्या कर लिया उन्होंने? छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उससे मैंने भी छिपा, यानी कि जो ताड़ का पत्ता था उसे भी छिपा लिया। जब मौका मिल जाता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिश की एक लंबे समय के बाद क्या हुई? वो
पढ़ना सीख गई। तो इस तरह से राजसुंदरी देवी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। क्या पढ़ने का अवसर दिया? चैतन्य भागवत। और स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का यह अवसर दिया कि राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिनी जीवन के अनुभव को विस्तार से लिखा। ऐसा भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का विश्राम नहीं मिलता था, इतने समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा लें, यानी कि उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि वो कुछ बैठकर वहाँ खा लें। तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी। अब मुझे अब पीछे फिर से जाना है क्योंकि एक पैराग्राफ था जो मैंने छोड़ रखा था वो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं पढ़ाती हूँ। तो हमने अभी राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा है, अब हम रमाबाई के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है आपकी रमाबाई। तो रमाबाई भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो जानेंगे। तो रमाबाई कब की बात है? रमाबाई 1858 से लेके 1922 की बात है। अपनी बेटी के साथ जो दिख रही है वो अपनी बेटी के साथ है। महिला शिक्षा की एक योद्धा, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई है। क्या है ये? तो रमाबाई महिला शिक्षा की योद्धा मानी जाती है, जो क्या है, कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। इन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। किसकी? पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो इनका नाम पंडिता रमाबाई भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उपाधि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडिता की उपाधि किसी दी गई थी, तो रमाबाई को दी गई थी। क्योंकि वे क्या करती थी? क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, इसलिए उन्हें पंडिता की उपाधि दी थी, जो उस समय औरतों के लिए क्या थी, बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब तक यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी उन्होंने, यानी कि तब तक ये चीजें औरतों को जानने की क्या थी, अनुमति नहीं थी। फिर बात करते हैं 1858 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया रमाबाई ने। कहाँ पर? 1858 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहाँ विधवा स्त्रियों को क्या किया जाता था, विधवा स्त्रियों गरीब औरतों को पढ़ने लिखने स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधवा स्त्री और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्रता की शिक्षा दी जाती थी, ये मिशन किसने खोला? तो वो 1858 में पुणे में खेड़ा गांव के पास रमाबाई ने खोला था। ठीक है, उन्हें लकड़ी की चीजें बनाना, छापे चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों के काम कम ही सिखाई जाती है, यानी कि वर्तमान में जो लड़कियों को कम सिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर बाएं तरफ की छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन जो है वो आज भी क्या है, आज भी सक्रिय है, आज भी ये मिशन चल रहा है। ठीक है, अभी हमने राजसुंदरी देवी रमाबाई के बारे में पढ़ लिया। अब एक और भी महिला है जो है रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का सपना। ठीक है, ये क्या चीज है जानेंगे। तो रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक क्या थी, धनी परिवार में ये पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी, अतः उन्हें उर्दू पढ़ना, क्या, उर्दू पढ़ना और लिखना आता था। रुकैया सखावत को उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया था। क्या सीखने से रोका गया था? बंगला और अंग्रेजी। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने क्या कर रही है, नए विचार रखती थी, जिन्हें लोगों के लिए लड़कियों ने क्या माना, ठीक नहीं माना। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से क्या किया था, तो बंगला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया था। किससे? बड़े भाई और बहन के सहयोग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर भी एक लेखिका बनी। क्या बनी? वो एक राइटर बनी। और 1905 में केवल 25 वर्ष की थी, कितनी थी, 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा, तो वो आपकी हो जाती है रुकैया सखावत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहानी में सुल्ताना नामक स्त्री है। अब कहानी बता रहे हैं, जो सुल्ताना का सपना है उसमें कहानी लिखी थी। क्या लिखी थी? तो क्या लिखा है कहानी में? सुल्ताना नामक क्या है, एक स्त्री की कल्पना की गई है, जो क्या है, लेडी लैंड नाम की जगह में पहुंच चुकी है। कहाँ? लेडी लैंड की जगह में। लेडी लैंड एक नाम की जगह है, वहां पहुंच गई है। लेडी लैंड ऐसा स्थान है जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता है। इस कहानी में महिलाओं को बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड की
आक्रामक बंदूक युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं, और पुरुष एक अलग थलग स्थान में क्या किए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। ये वो स्टोरी में अपनी लिख रही है। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सराहा के साथ यात्रा पर जाती हैं, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही है। कहाँ उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, तब वो अपनी बुक में ये सारी चीजें लिख रही हैं कि लड़कियां प्लेन उड़ा रही हैं, लड़कियां प्लेन उड़ा रही हैं, बारिश कैसी होती है उनका ध्यान रख रही हैं, पुरुषों को मात दे रही हैं अपने मानसिक कैसे ज्ञान से। तो ये चीजें उस जमाने में रुकैया सखावत अपने कहानी में लिख रही हैं। जैसे कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज चलाने और कार का स्वप्न देख रही हैं, जब लड़कियों को क्या है स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में कहा तो 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो भी आज कार्यरत है। ठीक है, तो कब खोला था? तो 1910 में कोलकाता में लड़कियों के स्कूल किसने लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला, तो वो रुकैया सखावत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, कुछ चीजें रह गई थी तो वो हम अभी टैकल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ते जाइए और चीजों को समझते जाइए, बस क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ये वाला बॉक्स और पढ़ लेते हैं, फिर जानेंगे आगे क्या है। राजसुंदरी देवी, क्या राजसुंदरी देवी और रुकैया रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, इसकी स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीब शिक्षण सुविधाओं में अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक क्या हो जाती है, चुनौती हो जाती है वर्तमान समय में। शिक्षा और विद्यालय, ठीक है, जो प्रेजेंट में शिक्षा और विद्यालय वो कैसे है ये जानेंगे। ठीक है, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में क्या है, अंतर है, डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। हर 10 वर्ष में क्या होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, जनगणना कितने साल में करवाई जाती है, तो जनगणना आपकी 10 वर्ष में करवाई जाती है। देखो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते तो ऐसे ही पढ़ते जाते, आप इस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, पर ये इम्पोर्टेंट है। जो जनगणना है कितने साल बाद करवाई जाती है, तो भारत में हर 10 वर्ष के बाद आपकी जनगणना करवाई जाती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें भारत में रहने वाले जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। क्या क्या जानकारी की जाती है जनगणना में, किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, वो चीज आप देखेंगे। उनकी आयु पे, किसके, उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि की जनगणना की जाती है। ठीक है, इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन से करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। देखो, शिक्षित लोगों की संख्या और उनमें क्या, स्त्री और पुरुषों का अनुपात, शिक्षित लोग कितने हैं और उनमें स्त्री कितनी है और उनमें पुरुष कितने हैं, इस चीज की जनगणना की जाती है। अब 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों में 40% शिक्षित था, यानी कि 1961 में के अनुसार लड़कों और पुरुषों, यानी कि सब लड़कों और पुरुषों में कितने, 40% लोग शिक्षित थे, और इसकी तुलना में लड़कियों की बात करते हैं तो वो 15% शिक्षित पाई गई। ठीक है, तो शिक्षित क्या होता है, जो 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हों और क्या करते हो, कम से कम अपना नाम लिख सकते हो, जो अपना नाम लिख लेते हो उन्हें शिक्षित की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और कितना, 1961 की जनगणना के अनुसार आपकी 40% लड़के या पुरुष शिक्षित हैं और 15% आपकी क्या है, महिलाएं शिक्षित मानी जाती हैं। ठीक है, शिक्षित क्या कौन होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वे कम से कम अपना नाम लिख लेते हो। अब ये सतत विकास लक्ष्य हैं जो हर चैप्टर में आपको दिया गया है, तो नंबर 4 कितने, गोल 4 क्या है उनका, सतत विकास वालों का गोल 4 क्या है डेवलपमेंट का, तो वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये कितने में कही गई है, तो नंबर 4 में कही गई है। मैं इनकी सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिए गए हैं, तो इनको याद करना है आपको, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो हमने 1961 की जनगणना देख ली, अब हम 2011 की जनगणना देखते हैं, उनमें कितने स्त्री पुरुष शिक्षित पाए हुए हैं। ठीक है, तो आपकी बात करते हैं 2011 की जनगणना की,
तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार लड़के पुरुषों की संख्या कितनी हो गई थी, 82% हो गई थी, और यही स्त्रियों की संख्या कितनी हुई, 65% हुई, यानी कि अभी भी स्त्रियों की शिक्षा कम हो रही है। ठीक है, इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक क्या हो सकती है, शिक्षा मिल चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन जैसे ही आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में क्या है, पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बात का अंतर अभी क्या हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अब ये नीचे तालिकाएं दी गई हैं जिसमें हम बात करेंगे एससीज और एसटीज के बारे में। एससीज यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों के बारे में बात करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपकी तालिका है जिसमें क्या है, स्कूल छोड़ने यानी कि ड्रॉप आउट, स्कूल छोड़ने के दर कितनी है इनकी। तो देखो, प्राथमिक स्कूल में जो लड़के हैं वो 4% आपके क्या करते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, 33% ये, और अनुसूचित जाति के बच्चे सबसे ज़्यादा 4%, और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां कितने, 6.84%, और उच्च माध्यमिक में देख पा रहे होंगे तो ये, और माध्यमिक में आते आते 19% एंड 24% लड़कियां क्या करती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं। जानेंगे, संभवतः आपने ऊपर दी तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में जितनी हर श्रेणी की जो लड़कियां हैं, सारी लड़कियों की श्रेणी की तुलना में आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों ने स्कूल ज़्यादा छोड़े हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियां प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा सबसे कम कौन हो जाती है, तो मुस्लिम लड़कियों को, और भी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी कम जो है वो है आपकी मुस्लिम लड़कियां, जिन्हें स्कूली शिक्षा में क्या संभावना कम हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं जबकि अन्य समुदाय की 4 वर्ष तक समय बिताती हैं। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में 3 वर्ष तक और अन्य समुदाय की लड़कियां 4 वर्ष तक स्कूल में समय बिताती हैं, यानी कि पढ़ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, दलित आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण हैं, अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना उचित स्कूल है और ना ही क्या है, और ना ही क्या है, देखेंगे आगे, एक मिनट, कहाँ पढ़ा था मैं, ना ही शिक्षक हैं। ठीक है, ना ही उनके लिए स्कूल है अच्छे और ना ही क्या है, शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने जाने के लिए कोई साधन ना हो, जैसे बस वैन वगैरह आदि की सुविधा ना हो, तो क्या होता है, अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, और ऐसी स्थिति में लड़कियों लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बच्चे बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, यानी कि कोई जाति से रिलेटेड बच्चा है, नीची जाति से, तो उनके साथ शिक्षक भेदभाव कर रहे हैं। और छोड़ने के रीजन क्या है, एक रीजन ये है कि कहीं दूर स्कूल है तो आने जाने की सुविधा नहीं है, तब बच्चे आपके स्कूल छोड़ रहे हैं, यानी कि स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, और फिर अगर माँ बाप गरीब हैं तो स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो ये रीजन हो जाते हैं। अगर वो रीजन पूछेगा, स्टेटमेंट डालेगा, तो आप इन चीजों को डाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, 2014 में क्या शुरू किया गया था, तो 2014 में आपका शुरू किया गया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। क्वेश्चन अगर पूछता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था, तो वो आपका 2014 में शुरू किया गया था, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, महिला आंदोलन। तो महिला आंदोलन क्या था, किन चीजों पर महिलाओं ने आंदोलन किया था, वो जानेंगे। ठीक है, अब महिलाओं लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानून सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने क्या किया है, व्यक्तिगत स्तर पर यानी कि पर्सनल स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए क्या किए हैं, संघर्ष किए हैं। तो आप देख पा रहे हो कि महिलाएं हमेशा संघर्ष करती आ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ती आ रही हैं। जब महिलाओं को ये चीजें मिली हैं, और जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जो बेटियां आज पढ़ रही हैं, तो वो बहुत ही शुक्रगुजार होनी चाहिए उन महिलाओं की जिनकी वजह से आप पढ़ पा रहे हो। अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप पढ़िए, और जो चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, वो आप करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
औरतों ने संघर्ष किए, इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहते हैं, यानी कि जो औरतों ने अपने लिए संघर्ष किए हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, उन्हें महिला आंदोलन कहा जा रहा है। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी कुछ झलकियां आप देख पा रहे होंगे, तो ये आप देख पा रहे हो जो महिला आंदोलन कर रही हैं। तो महिलाएं शुरू से संघर्ष करती आ रही हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ाई अपनी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई स्किप नहीं करनी है, पढ़ते रहना है। आज क्या है, आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, मैं इवनिंग में आपकी क्लास ले रही हूँ, क्योंकि क्या है कि मुझे रूम शिफ्टिंग करनी थी, और रूम शिफ्टिंग में जो रूम शिफ्ट कर रहे हैं लोग, उन्हें पता होगा कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ से सामान वहाँ ले जाना, फिर दूसरे घर में सेट करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अभी हमारा सामान वगैरह सेट नहीं हुआ है, बस ऐसे ही सारा पड़ा है, बट मुझे आपकी क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी लेना, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि कोई किसी बच्चे को अगर हमारी क्लास से फ़ायदा हो रहा है तो वो उसे मैं बीच में ड्रॉप आउट करूँ, तो वो मैं आपकी पहले क्लास ले रही हूँ। इसके पीछे जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसका बताने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपसे सिंपथी चाहती हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट काम है उसे पहले करिए, यानी कि पढ़ाई आपकी इम्पोर्टेंट है, तो आप पहले पढ़िए देन आप काम करिए। कई महिलाएं क्या होती हैं, कई औरतें क्या होती हैं कि वो सोचती हैं कि पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ फिर पढ़ाई करती हूँ। नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है, आपको बच्चे को स्कूल भेजना है भेज दीजिए, आपको हस्बैंड का ऑफिस जाना है ऑफिस भेज दिया, मम्मी पापा हैं उन्हें लंच वगैरह जो भी मतलब नाश्ता वगैरह दे दीजिए, देन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं लंच करवा दूँ या करवा दूँ, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं इस चीज़ को इसलिए शेयर कर रही थी कि आप लोग इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को रिलेट करें कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कब हम समय निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रूम शिफ्टिंग है, सामान पड़ा है, शिफ्ट होना है, सेट करना है, वो कर लेंगे हम 1 घंटे बात कर लेंगे, पहले आपकी क्लास ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आज हमारे घर में खाना भी नहीं बना है, बाहर से मंगवाया था क्योंकि नहीं बना पा रहे हैं, सामान फैला पड़ा है। तो इन सब चीजों का बताने का बेसिकली मतलब यही है कि वर्क की इंपॉर्टेंस आप लोग समझिए और पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो जो आंदोलन थे वो अभियान क्या क्या है वो जानेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है अभियान, पढ़ते हैं 1 मिनट। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक क्या हो गया था, महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया था। भेदभाव और किस पर, भेदभाव के ऊपर, यानी कि जो भेदभाव हो रहे थे लेडीज के साथ, तो उन पर क्या आंदोलन चलाना एक इम्पोर्टेंट हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। क्या बने, नए कानून बने। 2006 में एक कानून बना था, क्या बना था, जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि जो औरतें घर में अपने घर में अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही हैं उन औरतों को क्या दी जाएगी, उन औरतों को सुरक्षा दी जाएगी। तो ये सुरक्षा जो है ये किसके अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो 21 आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है। एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, वैसे तो राइट ही है बट एक बार रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि माइंड थोड़ा अभी स्थिर नहीं है, चीज़ों में लगा हुआ है, तो जहाँ तक तो राइट है बट एक बार क्रॉस चेक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिसके साथ क्या हो रहा है, घर के अंदर शारीरिक और मानसिक तौर पर हिंसा हो रही है, तो उनके लिए कानून बनाया गया था, औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। तो ये कानून कब बना था, तो ये कानून 2006 में बना था। अगर एक्स्ट्रा पूछ देगा तो आर्टिकल पूछ सकता है, तो मैंने आपको आर्टिकल बता दिया, बस आपको एक क्रॉस चेक करना है उसका। ठीक है, गूगल पे कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़न से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिया था। कब दिया था, तो ये बात हो रही है 1997 की, तो कब, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर, यानी कि जहाँ काम कर रही हैं लड़कियाँ, वहाँ पर अगर उनके साथ हेरासमेंट होता है, यौन प्रताड़ना होती है, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए उन्होंने कानून यानी कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। ये भी आपका आर्टिकल 21 में ही आता है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है कि एक और उदाहरण देखें, 1980 के दशक में। अब हम देखते हैं 1980 का एक और उदाहरण है, वो क्या है। देखो हर उदाहरण से हमें एक चीज, नई चीज सीखने को मिल रही है और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्वेश्चन बनेगा कि दहेज हत्या के खिलाफ कब उठाई आवाज महिलाओं ने, तो आप 1980 में उठाई गई थी। क्यों उठाई गई थी, रीजन तो कुछ होगा, तो देखते हैं क्या है नीरज। तो कह रहा है कि नवविवाहित युवती को उनके पति और ससुराल लोगों द्वारा दहेज के लालच में क्या किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जान से ही मार दिया। महिला संगठनों द्वारा इस बात की क्या की गई, बड़ी आलोचना की गई। कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो कानून है वो अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में छाने छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जाए। यानी कि कोई भी मुद्दा है, मान लो कि जिसके परिवार की बेटी मरी है या उन्हें मौत के घाट उतारा गया, हत्या की गई है, तो उनसे क्या किया गया है, उनका केस चल रहा है, बस केस चल ही रहा है। ये आपने चीजें देखे होंगे, जब उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो महिलाओं ने इन चीजों को समझा और उन पर आंदोलन किया, तब जाकर इसकी सुनवाई हुई। तो क्या था, सत्या रानी, आप देख पा रहे होगे, और सत्या रानी क्या थी, सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य थी, ठीक है। कौन थी, सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य थी। दहेज के लिए मार दी गई बेटी, अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए लड़े एवं लंबे मुकदमे की फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय के सीढ़ी पर बैठे हैं। तो सत्या रानी कौन है, सत्या रानी माँ है, उनकी बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया था, तो वो आंदोलन की सक्रिय सदस्य थी। तो ये आपके कौन है, आपकी ये सत्या रानी है। तो जो ये चीजें संघर्ष चल रहे हैं, ये संघर्षों से क्या है, आज हमें ही बेनिफिट मिला है, हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अब जागरूकता बढ़ाना कैसे, क्या चीज है देख लेंगे एक बार। जागरूकता बढ़ाना क्या है, औरतों के अधिकार के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य रहा है। तो जागरूकता बढ़ाने में किसका कार्य रहा है, तो महिला आंदोलन का इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा है। तो अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि महिला आंदोलन की विशेषताएं बताइए, तो विशेषताएं में जो जो अच्छी चीजें हैं, जो जो अच्छी चीजें नहीं, जो जो उन्हें उन्होंने की है, वो उस पर लगाना है कि महिलाएं अपने पारस्परिक यानी कि अपने स्तर के लिए लड़ी हैं, अपने हक के लिए लड़ी हैं, अपनी समानता के लिए लड़ी हैं महिलाएं, मतलब। तो ये सारी चीजें उसमें डालनी है। और एक स्टेटमेंट अगर डाल देता है कि महिला आंदोलन ने जागरूकता को बढ़ाया है, यानी कि औरतों के अधिकारों, यानी कि औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता को बढ़ाया है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, गीतों, नुक्कड़ों, नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से अपने संदेशों से लोगों के बीच पहुंचाया, यानी कि जो आंदोलन चल रहे थे उस आंदोलन में आपके क्या हो रहे थे, गीतों के द्वारा, नाटकों के द्वारा, जनसभाओं के द्वारा, सबके बीच में ये जागरूकता फैलाने का काम हो रहा था। अब विरोध करना, विरोध करना क्या हो जाता है जानेंगे, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ क्या करती हैं, आवाज उठाती हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि महिला आंदोलन क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो जब ऐसी चीजों, यानी कि महिलाओं के हितों की, महिलाओं के क्या, महिलाओं के हितों की, महिलाओं के इमेज पर जो जब कोई हरासमेंट होता है, तब महिला उन पर क्या करती है, उनका विरोध करती है, और इस वजह से वो क्या करती है, आंदोलन करती हैं, और लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या करती हैं, रैलियां और बहुत असरकार तरीके से करती हैं, असरदार तरीके से, यानी कि उनका असर हो, उनका इम्पैक्ट पड़े, तो वो आंदोलन करती है इसलिए, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। विरोध क्यों करती हैं, तो इस रीजन से वो विरोध करती हैं, और आंदोलन क्यों चलाती हैं, कि लोगों का इस गलत चीज पर उनका ध्यान जाए, लोग इन पर बात करें और उन चीजों को, उन्हें उनका सही क्या मिले, हक मिले, और जो गलत है उसे गलत बताया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बढ़ते हैं। अब बंधुत्व व्यक्त करना, तो जागरूकता, आंदोलन क्या हो रहा है, आंदोलन से जागरूकता फैल रही है, और विरोध कर रहे हैं किसके द्वारा, विरोध करने का रीजन क्या है, तो विरोध का रीजन ये है कि आंदोलन चलाती हैं और लोग उनको, उस जो गलत चीजें हुई हैं उस पर लोगों का ध्यान जाए। अब बंधुत्व व्यक्त करना क्या होता है जानेंगे,
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लोग इन्हें नहीं पढ़ते हैं और लोग इन्हें पढ़ाते भी नहीं हैं। आप क्लास में जाओगे तो आपको कीवर्ड पढ़ा दिए जाएंगे, आपको पूरी एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो जागरूकता, विरोध करना और बंधुत्व व्यक्त करना, ये तीनों क्या हो जाते हैं, ये तीनों आपके महिला आंदोलन के हिस्सा बन जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महिला आंदोलन की विशेषता पूछता है तो ये चीज़ें आपकी। अब देखो 8 मार्च, 8 मार्च को क्या क्या होता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये जानेंगे ये क्या है, ये है हर साल 14 अगस्त को, कितने 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर, कहाँ, तो हर साल प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रतिष्ठित करती हुई औरतें, क्या है, औरतें जलती हुई मोमबत्ती उठाए हुए हैं। तो देखो ये कहाँ, भारत और पाकिस्तान की महिलाएं, कहाँ पर, बाघा बॉर्डर की बात है, बाघा की बात है, और 14 अगस्त को ये हर साल ये कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो हुई होंगी। तो ये थी आपकी क्लास, अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इसमें शब्द संकलन यानी कि जो वर्ड दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या होती हैं चीजें। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझ में नहीं आता है, वो समझ लेते हैं। तो रूढ़िवादी धारणा, तो ये मैंने पढ़ा दिया है बट फिर भी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। रूढ़िवादी धारणा, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धर्म, आर्थिक क्षेत्रीय समूह के लोग की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। यानी कि लड़के लड़के ट्रेन चला सकते हैं, लड़कियां खाना बना सकती हैं, ये भी रूढ़िवादी धारणा होती है। जैसे हम पाठ में हमने देखा, लड़कों लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया है, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना, यानी कि लड़के मैथ ले सकते हैं और लड़कियां सोशल साइंस पढ़ सकती हैं। तो ये क्या है, ये एक पहले से व्याप्त धारणा है जो कि आपकी क्या हो जाती है, रूढ़िवादी धारणा हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूढ़िवादी धारणा है, हमें लोगों को उनके व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। यानी कि मान लो दो लड़के हैं, एक लड़का मैथ पढ़ रहा है, एक सोशल साइंस पढ़ रहा है, तो उसमें ये नहीं देखेंगे कि सोशल साइंस वाला बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, उसे कितने अच्छे से पढ़ रहा है, उसका भविष्य क्या, ये नहीं देखेंगे, बस ये देखते हैं कि अरे ये लड़का है, ये सोशल साइंस नहीं पढ़ सकता, भले वो मैथ में फेल हो जाए बट उसे मैथ ही दिलाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब भेदभाव तो आप जानते हो, भेदभाव क्या होता है, ठीक है, समझ सकते हो। तो भेदभाव क्या होता है, भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता या आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति की संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। पूर्वाग्रह के बारे में हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो पढ़ सकते हैं आप। उल्लंघन, सबको पता है उल्लंघन क्या होता है, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है, खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम उसे उल्लंघन कह सकते हैं, ठीक है। यौन प्रताड़ना क्या होती है, तो इसका असर औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक और भौतिक हरकतें करना क्या होता है, यौन प्रताड़ना में आ जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आई है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। कुछ ही दिन बचे हैं आपका, 1 मंथ बचा है, एग्जाम आने वाला है। सीटेट स्ट्रेटजी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वो स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं की है, तैयारी नहीं की है, तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लीजिए, आपका सीटेट नहीं रुकेगा, सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। बट आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, लेसन समझा देती हूँ, उसके बाद आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको क्लियरिटी आती जाएगी, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक पे पास ले लीजिए या कहीं जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह PYQ वगैरह मिल रहे हैं, तो वहाँ से दबा के प्रैक्टिस करिए। 1 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका स्कोर गेन होने लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।